हाँ भाई, क्या हाल है भैया? पिछले हफ्ते मैं लाहौर में था और बड़ा यूनिक तरीन मेरा ट्रिप था, क्योंकि मैंने जिंदगी में अक्खा पहली बार अपनी आंखों से, इन गुनाहगार निगाहों से मोबाइल फोन कैसे बनता है पहली बार देखा। भैया बड़ा आसान, हमने लिया हुआ है, दुकान पे जाते हैं, डब्बा पैक लेते हैं, पन्नी हटाते हैं, सिम डालते हैं, बेबी को फोन लगाते हैं 5 रुपए घंटे की रफ्तार से रात को। लेकिन अबे फोन बनने में इतनी पेचीदगियां, इतने स्टेप्स, इतने प्रोसेस, क्या असेंबली लाइन। अब आप बोलोगे भाई खली वली लाहौर में कौन फोन बना रहा है? भाई एयरलिंक कम्युनिकेशन की बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है लाहौर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे शाओमी के फोन प्रोड्यूसर है, यानी कि अब आप जो भी शाओमी के फोन लिया करेंगे वो लोकली प्रोड्यूस होंगे। अब आप बोलेंगे जी एयरलिंक कम्युनिकेशन क्या है, शाओमी समझ नहीं आ रहा। देखें एयरलिंक कम्युनिकेशन जो है, इट्स अ कंपनी विच इज फाउंडेड इन 2012 और उनका रेवेन्यू 140 मिलियन रुपीस था 2012 में, जो कि 10 साल बाद 47 बिलियन रुपीस हो गया है। एयरलिंक कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल द टॉप फोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान और शाओमी के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई। अब शाओमी के फोन पाकिस्तान में बना करेंगे, यानी कि आपका इंपोर्ट बिल कट जाएगा, क्योंकि अभी क्या होता था, हम बाहर से फोन आते थे, पीटीए अलग दे रहे, फिर वो जाहिर एक चीज़ बाहर बनी है तो बाहर की कॉस्ट वॉस्ट जो है, शिपिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें महंगे पड़ते हैं फ़ोन। अब एक चीज़ लाहौर के अंदर बनेगी खली वली, 20-25% आपके फ़ोन रिड्यूस हो जाएगी उसकी प्राइसेस, जब एक आम आदमी की अप्रोच में स्मार्टफोन होगा। तो स्मार्टफोन से आप ये भी, मैं स्मार्टफोन पे ही देख रहे हैं ना आप मुझे, स्मार्टफोन ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की, तो एक बहुत छोटी सी शाख है भाई, एग्रीकल्चर भी स्मार्टफोन पे हो रहा है, मार्केट प्लेस भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो हम ये जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और जाहिर है इसमें शाओमी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शाओमी ग्लोबली 17% मार्केट शेयर और पाकिस्तान में भी इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। एक आम आदमी की दस्तरस में होता है, और आम आदमी के पास जब अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन जाएगा तो उससे वो क्या क्या नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ जब पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा इंपोर्ट बिल, जैसे कि मैंने बोला, कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना से दूर पड़ती हैं मार्केटें, मिडल ईस्ट की मार्केट हो गई, अफ्रीका की मार्केट हो गई, हमारे पोर्ट से जब हमारे मुल्क के बने हुए फोन नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट की मार्केट्स टच करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो खली वली हमें दोनों एंड से फायदे हैं, हमें सस्ता भी पड़ रहा है फोन और हमें वो फोन कमा के भी दे रहा है, और यही विजन होना चाहिए और यही विजन रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, हमारे मुल्क का भी यही विजन है कि लोकली चीजें प्रोड्यूस हो ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम से कम हो जाए। यहाँ तो बिल्ली का खाना भाई, लाखों करोड़ों डॉलर का तो खाली बिल्लियों का खाना इंपोर्ट होता है, हमें चीजें लोकली प्रोड्यूस करनी है अगर हमें ऊपर जाना है। ग्लोबली आप ट्रेंड देख लें, जिन मुल्कों का इंपोर्ट बिल कम और एक्सपोर्ट बिल ज़्यादा होता है वही फायदे में रहती हैं, मतलब आपकी आमदनी 98 खर्चा रुपया होगा तो भैया कहीं नहीं जाएंगे। अभी तक हम उसी डिमेंशन में चल रहे थे, बट थैंक्स टू एयरलिंक कम्युनिकेशन और इस तरह के जितने भी मामलात होने जा रहे हैं हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए अच्छा है। इससे लोगों की भाई शुमाइला और अदनान भाई बैठ के फोन जोड़ लेते यार, मतलब हमारे लोग, इतना अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। असल में वो फैक्ट्री के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं थी, जाहिर सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, वो मैं फुटेज आपको दिखा नहीं सक रहा, लेकिन इतनी खुशी हुई अपने ही मुल्क के लोग वहाँ बैठे, और भाई सेकंडों में फ़ोन बन रहा है, यानी कि पर डे अगर वहाँ 8 से 9 हज़ार फ़ोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको आप 8 घंटे की शिफ्ट से अगर आप डिवाइड कर लें तो भाई 19 सेकंड में फ़ोन निकल रहा है यार। और क्या क्या टेस्ट होते हैं, ड्रॉप टेस्ट अलग, साइड से अलग गिर रहा है, फ्रंट से अलग गिर रहा है, फिर लेंस की क्लीनिंग, उसकी उसका फोकस चेक हो रहा है, उसकी उसके सॉफ्टवेयर चेक गए उसमें भाई, याद है अभी क्या क्या मशीनें थी भाई, हमने बड़ा आसान ले लिया, हमें डब्बे में मिल जाता ना खली वली, हम सोचते नहीं है। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी टू सी माई कंट्री मैन कि यार लोगों को ज़ाहिर जॉब्स मिल रही हैं, काम मिल रहा है, इतनी प्रोडक्शन हो रही है, फिर इससे जो चीज़ें निकलेंगी सस्ती मिलेंगी, आवाम की दस्तरस में आएगा, उसके हाथ में, एक आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आएगा, उसके लिए लिमिटलेस हो जाती हैं चीज़ें। मैं भी एक स्मार्टफोन की ही वजह से आपके सामने हूँ ना, तो इससे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलेंगे और मुल्क के लिए भी हमारे बहुत फायदा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू एयरलिंक कम्युनिकेशंस एंड शाओमी फॉर दिस वंडरफुल पार्टनरशिप, और ये एक टेस्टमेंट है पाक चीन दोस्ती का भी भाई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा आने वाले वक्तों में इस तरह की और फैसिलिटीज ओपन हो ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऊपर जा सके। थैंक यू।